हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास। एंड सो फार वी हैव रेड इन दिस स्टोरी दैट ऑथर एक जंक शॉप पे जाता है, वहाँ उसे डेस्क मिलता है, डेस्क में एक लेटर मिलता है, और वो लेटर जो है उसे जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा हुआ होता है लेटर को। फिर वो अपनी वाइफ कॉनी से कह रहा है लेटर में कि हम जल्द ही मिलेंगे। सो अब देखते हैं क्या होता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू दिस एनवलप। आई टोल्ड नो वन अबाउट माई फाइंड बट केप्ट माई शेमफुल intrusion to myself. I was in guilt, I think, that kept me awake all night. By morning knew I what to do. I made an excuse and did not go to the church with the others. Instead, I drove into the Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was, number 12, turned out to be nothing but a burnt out shell, that roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his sleepers, he knew her well. A lovely old lady, she told me. A bit muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house, and when it caught the fire, no one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, she told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. अब ऑथर बताता है कि मैंने जो है लेटर को फोल्ड किया दोबारा और उसे एनवलप में डाल दिया केयरफुली, और मैंने किसी को नहीं बताया इस लेटर के बारे में, और उसे शेमफुल, क्योंकि शेमफुल उसे इसलिए लग रहा था, किसी की सीक्रेट चीज़ें खोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने कर लिया था। उसने शेमफुल इंट्रूजन को अपने तक ही रखा और उसे गिल्ट तो फील हो ही रहा था लेकिन, और वो पूरी रात जागता रहा और सुबह तक अब उसे पता था क्या करना है। उसने एक बहाना बनाया और वो चर्च में नहीं गया दूसरे लोगों के साथ। उसने वो कहाँ गया, ब्रिडपोर्ट गया, कुछ दूर था वो, कुछ माइल्स दूर था। उसने वहाँ पे एक बॉय देखा जो अपने डॉग को वॉकिंग करा रहा था, कॉपर बीचेस नंबर 12। तो उसे क्या देखा वहाँ पे, उसने बॉय से एड्रेस पूछा, लेकिन उसे क्या मिला वहाँ पे, एक बर्नट आउट शेल मिली, एक झोपड़ी, एक जला हुआ घर मिला, और रूफ़ के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, विंडो भी जली हुई थी। तो मैंने हाउस पे जो है नेक्स्ट डोर हाउस पे नॉक किया, पूछा कि कोई जानता है कि मैकफर्सन के बारे में क्या होता है। हम भी जब किसी नई जगह जाते हैं, हमें कुछ एड्रेस नहीं मिलता, कोई पर्सन वहाँ नहीं मिलता, तो हम आसपास के लोगों से पूछते हैं। वही ऑथर ने किया। ओ यस, उसने बोला, हाँ मुझे पता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे दिखाई दिया। उसने बोला, हाँ मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही लवली ओल्ड लेडी है वो, उसने मुझे बताया, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज्ड, मडल हेडेड मीन्स थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, लेकिन भाई हो भी क्यों ना, उनकी एज ही ऐसी थी, 101 इयर्स में तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो वो इस घर में ही थी जब आग लगी थी, लेकिन किसी को नहीं पता आग कैसे लगी थी, और जो फायरमैन थे शायद कैंडल से लगी थी, क्योंकि वो ना बिजली का कम यूज़ करती थी, उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी महंगी है सो मैं कैंडल यूज़ कर लूँ। फायरमैन वहाँ पे आ गए थे जब आग लगी थी, उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो अब वो नर्सिंग होम में है, शायद बर्लिंगटन हाउस में है, डॉरचेस्टर रोड पे है, टाउन की दूसरी साइड। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, देयर वर पेपर चेन्स अप द होल वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ lopsided angle on the top. I said I was a friend come to visit Mr. McPherson, to visit her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing along to Good King Wenceslas. The matron had a hat too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the other, she told me. She is rather confused today, so we thought that it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits. I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. सो अब ओथर बताता है, मुझे बर्लिंगटन हाउस जो है आसानी से मिल गया था, और वहाँ पे जैसे ही मैं हॉल की तरफ से अंदर जा रहा था, पेपर चेंज डेकोरेशन हो रखी थी वहाँ पे, क्रिसमस ट्री था और वहाँ पे कॉर्नर में लगा हुआ था, और उसके टॉप पे क्रिसमस ट्री के ऊपर क्या था, एक सितारा था चमकता हुआ, लॉपसाइडेड एंगल था। तो मैंने बोला कि नर्स से वहाँ पे, मैं मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, मिलने आया हूँ उनसे, उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ क्रिसमस का। सो और मैंने डाइनिंग रूम के वहाँ से देखा, हर किसी ने पेपर की हेड पहनी हुई थी, जो है गुड किंग वो गाने गा रहे थे, मैट्रन जो थी हेड नर्स थी
उन्होंने भी मुझ पर देखा, मेरी तरफ़ देखा और मुझे देखकर खुश हुई। उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र की। मिन्स पाई एक मिठाई होती है। उन्होंने वो मुझे हॉलवे में कॉरिडोर तक ले गई। उन्होंने बोला कि मैकफर्सन जो है दूसरे लोगों के साथ नहीं है, जो थोड़ी कन्फ्यूज़ परेशान लग रही थी, हमने सोचा वो रेस्ट कर लें, तुम्हें पता है उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, लेकिन आज वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएंगी। तो वो जो हेड नर्स थी वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी क्या होता है, रूम होता है एक विद अ ग्लास रूफ एंड वॉल्स, शीशे की दीवारें होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होता है, प्लांट्स होते हैं हर जगह। और मुझे छोड़कर वहाँ पे चली गई। तो अब आगे क्या होता है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर जो हिलती रहती है आगे पीछे, उस पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसकी गोद में उसके हाथ थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विस्पी बन, एक बन बनाया हुआ था और पिन लगी हुई थी, वाइट हेयर थे उनके। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्नड एंड लुकड अप एट मी वेकेंटली, उन्होंने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है तुम्हारा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं उनसे बात कर रहा था जैसे उनकी नजरें मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उन्हें दिया। देट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफर्ज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो ऐसा मोमेंट था कि जैसे उनका आंखें चमक उठी, उनका फेस खुशियों से जगमगा उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने मुझे ये कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लगता वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रॉक द लेटर टेंडरली सॉफ्टली, तरीके से प्यार से लेटर को जो है सहलाने लगी विद हर फिंगर टिप्स, उंगलियों से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो आगे आई, मेरा हाथ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू विड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने बताया था कि तुम आओगे क्रिसमस तक, डियरेस्ट शी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, पास आओ, बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now that you are back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim, dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. Ab author kya kehta hai ki jo lady hai, jo Connie, मिसेज मैकफर्सन है, वो ऑथर को जिम समझ रही है, अपना हस्बैंड समझ रही है। तो वो कहती है कि उन्होंने मेरा हैंड लिया, उनके आंखों में आंसू थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम आ गए हो और ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट है, तुम आओ मेरे पास बैठ जाओ। अब ऑथर उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता था, इतनी ओल्ड लेडी थी बेचारी, उसके पास जाके बैठ गया। अब कॉनी ने क्या किया, ऑथर को किस किया, और वो अब कॉनी बताती है ऑथर को कि मैं तुम्हारे लेटर रोज पढ़ती हूँ जिम, पता है तुम्हें, और मैं तुम्हारी वॉइस, मैं ऐसा क्यों करती थी, लेटर रोज क्यों पढ़ती थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, और मुझे लेटर पढ़ के हमेशा ऐसा फील होता था तुम मेरे साथ हो, और आज तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए हो, और अब तुम ये लेटर मुझे खुद पढ़ के सुना सकते हो, तुम ऐसा करोगे ना मेरे लिए जिम डियर, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब, और उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे, और मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, मर्जी पेन बनाया तुम्हें, मुझे पता है मर्जी पेन कितना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस वॉज द स्टोरी, सो दिस वॉज वेरी इमोशनल चैप्टर। So what did the narrator find in the old desk? Why is the letter an important part of the story? The narrator found an old letter that told a story. एक letter के अंदर भी एक story थी, वही flashback है. The story is in the letter can be viewed as a story within a story. The letter is important because the flashback takes place through the letter. So what were some clues that helped us understand which part of the story happens in the present day? What clues that helped us understand which part of the story happens as part of the flashback? Why is it important to recognize these clues? So क्या clues थे कुछ जिससे हमें हेल्प मिली समझने में कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा फ्लैशबैक है? क्लूज फॉर सेपरेटिंग द फ्लैशबैक फ्रॉम द प्रेजेंट डे आर फाउंड इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द लेटर, लेटर के बिगिनिंग में मिले हैं, एंड में मिले हैं, एंड द विजिटेशन टू द ओल्डर कॉनी मैकफर्सन, जब उसको विजिट करने गया था। व्हेन स्टोरीज कंटेन अ फ्लैशबैक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकोगनाइज व्हेन द स्टोरी शिफ्ट्स टू, जब स्टोरी में फ्लैशबैक होता है तो हमें समझना जरूरी होता है कि कब स्टोरी आगे शिफ्ट कर रही है, एंड फ्लैशबैक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। सो विच part of the story is more important, the present day or the flashback, why? So both parts are equally important in this story, flashback भी और जो story है दोनों ही important है। The story's overall meaning becomes greater with both parts of the story, जब दोनों ही parts है तो overall meaning जो है बहुत important बन जाता है। Now let's have a look at worksheet. At page number 41, understanding flashback, draw a line to match the descriptions with the plot point, Macpherson fights in the war.
Mrs. McPherson receives a letter from the narrator. So Mrs. McPherson receives a letter from the narrator. It is present day and McPherson fights in the war. This is flashback. Refer to the story The Best Christmas Present in the World to answer the following questions. Underline the words in the story that indicate both explicitly and implicitly when and where the various events are taking place. So आपको story में words को underline करना है जिससे explicitly मतलब साफ साफ पता चले, implicitly मतलब जो आपको guess करना है कि जो war है वो कब और कहाँ take place कर रहा है. Choose and fill in the table with two plot points from the present day story and two plot points from the flashback. Present day plot point क्या है? तो present day plot point में narrator finds a letter in an old desk and flashback plot point German soldier waves a white flag. And present day plot point narrator looks for Mrs. McPherson, उनको ढूंढता है. And flashback plot point में both sides play football together. So what plot point from the present day story would be confusing if the flashback was not included? अगर flashback include नहीं होता तो जो present day के जो plot point हैं किस तरह से confusing होते. So understanding the dual meaning of the title, understanding why Mrs. McPherson does not have any family, understanding why the narrator desperately wanted to return the letter to its owner.